आज मुरादाबाद जिले में हुनरमंदों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक हुनरमंद से मुलाकात हुई मीडिया 18 न्यूज टीम की। इनका नाम है सदब, जो कि एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर है और ड्यूट के टीम एम माउंटेन ड्यू जैसी कंपनी को अपने इस हुनर से लुभा चुके हैं। फ्री स्टाइल कॉम्बो के लेकर ये युवक पद पर स्ट्रिंग कर सकता है। ऐसे बड़े प्रोफेशनल स्ट्रिंग राइटर बनने का सपना लिए ये युवक रोज महानगर मुरादाबाद की खाली पड़ी सड़कों पर अपने हुनर को प्रैक्टिस करने निकल पड़ता है। लेकिन निराशा होती है तब जब आम लोग इस हुनर की कदर न करते हुए प्रैक्टिस कहीं और करने को कह देते हैं। इन्हीं दिक्कतों के बीच हमारी मुलाकात हुई सदब से, तो सुनिए क्या कहना था। शफी है, यूपी से, मुरादाबाद से हूँ और बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और फिलहाल में मैं एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर हूँ। 4 साल से स्टंटिंग कर रहा हूँ और काफ़ी मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने में। बहुत काफ़ी लेवल है मेरा और कंपनी के लिए स्टंट शो भी परफॉर्म कर रखे हैं, KTM, TVS, माउंटेन ड्यू और कॉलेजेस में भी शो किए हैं। मगर 4 साल स्टंटिंग करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है इतना खास कुछ मुझे मिल पाया है। बहुत ख़राब कैरियर है स्टंटिंग में। बहुत सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल, बहुत हसल। अभी घर से 5 किलोमीटर दूरी पर धूप हो रही है, मैं प्रैक्टिस के लिए आया हूँ अपने सेफ्टी गेयर्स हेलमेट के साथ, अपनी बाइक के साथ। मगर आज इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अभी हाला यहीं पे जकरिया के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, मुझसे आज मना कर दिया गया कि आप जहाँ पर प्रैक्टिस मत करिएगा। अब 4 साल की मेरी मेहनत है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो दिल पर लगती है। और आज करके जैसे लड़के हो रहे हैं, उल्टी सीधी बाइक चलाते हैं, एक एक दो दो लाख रुपए की बाइकें खरीदी हैं, मगर ये बात माँ बापों को भी नहीं पता कि एक 1200-1300 रुपए का एक हेलमेट दिलवा दें, इतनी वैल्यू गिरा दी है। उल्टी सीधी बाइक चलाते हैं लोग बार, फिर बाद में हम लोग प्रोफेशनल राइडर्स बदनाम होते हैं। लड़के उल्टी सीधी बाइक चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, पुलिस वाले फिर उस चीज़ से हमें परेशान करते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जबकि प्रोफेशनल होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे ये करते करते सर 4 साल हो चुके हैं, अब तो यूज्ड हो चुका हूँ मैं, मगर कुछ नहीं। क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी आज तक? उपलब्धियाँ मेरी यही रही, काफ़ी स्ट्रगल करा, काफ़ी फ्री स्टाइलिंग कॉम्बोस शुरू से ही काफ़ी अलग करने का रहा और काफ़ी कुछ मैंने किया भी है। रोलिंग स्टॉप ही और फ्री स्टाइलिंग कॉम्बोस वगैरह ये सब चीज़ें मैंने किया कर रखी हैं। पूरी बाइक पर सब फ्री स्टाइलिंग कर लेता हूँ मैं, एक्रोबैटिक कॉम्बोस वगैरह। टोटल 55 स्टंट्स आते हैं उससे और अभी भी आगे मेहनत चल रही है, मगर अब आगे लगता नहीं है ऐसा कुछ कर पाऊँगा। तो आगे कुछ प्लान क्या है? आगे वैसे तो स्टडी कर रहा हूँ मैं, बीएड की तैयारी करनी है, मगर दिल से नहीं छूटता, एक शौक होता है जिसे करते हैं नहीं छूट पाते कभी, तो ऐसे ही इसी तरह इसे भी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़।